आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 नागपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, कोराडी के पोस्ट होटल में सट्टा खेल रहे व्यापारियों को किया गिरफ्तार। सट्टा खेलते हुए पकड़े गए जाने माने व्यापारी। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के पुलिस कर्मियों ने घटना स्थल पर रेड कर पकड़ा व्यापारियों को। सट्टा खेल रहे व्यापारियों के पास से 19 लाख का माल जब्त किया गया है। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और री इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग नागपुर में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम ब्रांच यूनिट 5 नागपुर में है। हमारे साथ है PI मुकुंद सोलंके साहब। आपको मैं बता दूं, PI सोलंके साहब गए 5 वर्षों से नागपुर में हैं और अलग अलग पुलिस स्टेशंस में उन्होंने क्राइम डिटेक्ट करने में और गुनहगारों को सलाखों के पीछे डालने में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा ही उन्होंने एक कार्रवाई कोराडी में एक होटल में की, वहाँ पे सट्टा चल रहा था और सर को जैसी ही जानकारी मिली, सर ने अपने टीम के साथ वहाँ पे रेड किया और 10 नामांकित लोगों को उन्होंने वहाँ से अटक किया है। हम जानते हैं किस तरीके से ये उन्होंने रेड की कार्रवाई की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में और हैपनिंग नागपुर में। सर, आपने ये जो कार्रवाई की है, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे, किस तरीके से कार्रवाई हुई? संडे का दिन था ना, कोराड़ी नाके पे एक होटल है NDH 47, वो नरेंद्र सिंह गिदवा करके उन्होंने किराए से लिया है। तो हमें एक ऐसी पुख्ता जानकारी मिली कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे जुगाड़ खेल रहे लोग पत्ते वाला। तो हमने फिर यहाँ बैठ के एक सॉर्ट आउट किया कि रेड कैसा करना है। API मुलानी उनका टीम और मैं लीड कर रहा था। हम लोगों ने जाके वहाँ पे पहले एनालाइज किया कि जो बात में मिली है वो सच है या नहीं है। तो जो मिली थी बात में वो सच थी। तो पंच को बुला के फिर हमने वहाँ पे रेड किया, जो नाम बताया उनको और बाकी के 9 लोग, ऐसे 10 लोगों को हिरासत में लिया, जुआ खेल रहे थे। तो 73,000 उनके कब्ज़े में मिले और 7,000 रुपये का डाव चल रहा था। तो बाकी का मोबाइल, उनके मोपेड गाड़ी, ये सब मिला के 19 लाख तक हमने वहाँ से मुद्देमाल जब्त किया। फिर यूनिट में ला के वो पूरा कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई के लिए कोराड़ी पुलिस स्टेशन के ताबे में दिया है। सर, ये पूरे कार्रवाई में आपके साथ आपके क्राइम ब्रांच के कौन कौन आपके साथी रहे साथ में? हाँ, मैं बताया, API मुलानी है मेरे सबऑर्डिनेट और उनका टीम। अच्छा। सर, 19 लाख बोले तो काफ़ी बड़ा मुद्देमाल जब्त तो हुआ है देखा जाए तो इस तरीके से कार्रवाई और भी आपके तरफ से होती रहेगी? बिल्कुल, आश्वस्त करता हूँ, जब भी ऐसा कोई मौका मिलेगा, जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो ऐसी कार्रवाई तो होती ही रहेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद री इंडिया न्यूज़ और हैपनिंग नागपुर से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे PI मुकुंद सालुके जी, जिन्होंने, आप देख सकते हैं, 19 लाख मैंने बहुत बड़ा मुद्देमाल सटोरियों से उन्होंने बरामद किया है और उन्होंने कहा है कि अभी कायदा तोड़ने वालों की अभी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके से जुआ सट्टा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 अभी हमेशा सट्टा खेलने वालों के पीछे है पकड़ने के लिए उनको। तो कोई भी नागरिकों से ये हमारे चैनल की तरफ से निवेदन करते हैं कि ये इस तरीके अपील करते हैं कि इस तरीके से कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आप नहीं रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।